राजस्थान से हरियाणा में टिड्डी दल के प्रवेश के बाद अब किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। शनिवार को टिड्डी दल राजस्थान के गांव मलवानी से सिरसा होते हुए कई गांव में प्रवेश कर चुका है, जिसके बाद किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। वहीं कृषि विभाग ने गांव वालों से ना घबराने की अपील की है। राजस्थान की सीमा से सटे हरियाणा के सिरसा जिले में टिड्डी दल शनिवार शाम 4 बजे प्रवेश कर गया। टिड्डी दल सुबह तेज हवा के कारण राजस्थान के रावतसर से एलानाबाद और चौपटा क्षेत्र से सिरसा में प्रवेश किया। टिड्डी दल करीब 2 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें लाखों की संख्या में टिड्डी है। टिड्डियों के आने की सूचना पर पुलिस प्रशासन, कृषि विभाग अलर्ट हो गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों से कहा है कि वो घबराएं नहीं, सतर्क रहें। उन्होंने किसानों को सतर्कता बरतने और कीटनाशक के छिड़काव करने के निर्देश दिए। वहीं किसानों ने कहा है कि टिड्डी दल के सिरसा के पहुंचने पर कपास सहित कई अन्य फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि टिड्डी दल से बचाव के लिए बच्चों सहित थाली बजाकर, ट्रैक्टर जलाकर, पटाखे जलाकर बचाव किया जा रहा है। टिड्डी दल रंगड़ी पहुँच चुके हैं, काफ़ी नुकसान है जी, फसलें तबाह करती है, पत्ते सारे खा गए हैं, जहाँ भी उतरा सारा फसल सफाया कर दी है, चाहे नरमा है, चाहे ग्वार है, चाहे ये ज्वार है, बाजरा है, हर चीज़ में नुकसान है, हर खेती पे नुकसान है इसका। तो बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप? बचाव के लिए ताली थाली बजा रहे हैं, ट्रैक्टर बगा रहे हैं खेतों में, खड़का कर रहे हैं। अरे भाई थाली बजावा, ट्रैक्टर बजावा, तेरे सामने टावरा ने लगा रखे सारी लुगाई बताई सब दबा दब भाजी भी, और तो कोई साथ नहीं। काफी नुकसान है, 60-70% नुकसान है। लोग ज्यादा नरमा और ग्वार को नुकसान ज्यादा है, हरा चारा उसको नुकसान है, हरा चारा नरमा और ग्वार को ज्यादा नुकसान है, धान को थोड़ा कम नुकसान है। तो बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं? बचाव के लिए तो बस थाली बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं और कुछ नहीं। बजाओ डी साहब आए, मौका देखे हैं, बाकी रात को कह रहे हैं अभी स्प्रे वगैरह कुछ कराएंगे। रात को पहरा देंगे? हाँ जी, हाँ रात को पहरा देना पड़ेगा जी, मजबूरी है तो देना पड़ेगा भाई। रात में क्या कितनी संख्या में होगा टिड्डी दल? ये अभी लाखों गिनती में जी। वहीं सिरसा के डीसी रमेश चंद ने बताया कि टिड्डी दल के खतरे को भांपते हुए विभाग ने समुचित प्रबंध किए हैं। जहां भी रात को टिड्डी दल बैठेगा वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और किसानों के ट्रैक्टर से स्प्रे पंप द्वारा कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। सर टिड्डी दल का सिरसा में क्या घटना हुआ? एक उस गांव के अंदर जैसे कि बरंगड़ी खेड़ा में देख रहे हैं, टिड्डी दल जो है नीचे उतरा, पहले हवा के अंदर था, अब ये बैठने लग रहा है किसान, और जो है इसके ऊपर आवाज़ करके इनको डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शाम हो गई है तो अब ये बैठना आरम्भ करेगा। इसके बैठने के बाद इसको शाम को जैसे ये बैठ जाएगा, जब उठने की स्थिति में नहीं होगा तो इनके ऊपर दवाई का छिड़काव किया जाएगा। क्या इनका ठहराव सिरसा में होगा? ये तो मैं नहीं बता सकता कहाँ होगा, ये तो ये उड़ती हैं नहीं उड़ती हैं उससे पता लगेगा, लेकिन जहाँ पर भी होगा हमारे एरिया में तो बात होगा तो उनके ऊपर छिड़काव किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर कितना अलर्ट जारी किया गया? प्रशासनिक स्तर के ऊपर पूरा अलर्ट जारी किया गया, सभी गाँव को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। इस गाँव में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप्स हैं और हमारी सारी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैयार हैं। बहरहाल टिड्डियों को भगाने का काम लगातार जारी है, प्रशासन भी इस समस्या को गंभीरता से देख रहा है। सिरसा से टोटल न्यूज के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।